नई संसद के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा बयान, मोदी का नाम लेकर कह दी बहुत बड़ी बात। उल्टा पड़ गया विरोधियों का दांव, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया जानते हैं आप? आने वाला है देश में बहुत बड़ा कानून, नई संसद में खड़े होकर इशारों में ही पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। देश की जिस संसद को उद्घाटन का करीब 21 दलों ने बायकॉट कर दिया, अब नई संसद के पहले ही दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी का नाम लेकर जो बात कही है उसे सुनकर देश के अंदर ही कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे कि आखिर नई संसद का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति से पीएम मोदी क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह को निमंत्रण भेजा गया तो फिर द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? कांग्रेस सहित मोदी विरोधी करीब 21 दल इसे आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान बता रहे थे, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी के सामने नई संसद भवन में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चिट्ठी पहुंची और उसे खोलकर पढ़ा गया तो उसमें मोदी का नाम लेकर मुर्मू ने जो लिखा था सुनकर हर कोई हैरान रह गया। द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है उससे पहले ये सिक्का भी आपको देख लेना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी कर दिया है। इस सिक्के के पीछे के हिस्से में संसद भवन की तस्वीर है और सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाईं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कुछ कहा है। नए संसद भवन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना एक संदेश नई संसद भेजा था। मोदी विरोधियों को लग रहा था कि इसमें द्रौपदी मुर्मू ने कुछ ऐसा लिखा होगा जो पीएम मोदी के खिलाफ होगा। सबके सामने राष्ट्रपति मुर्मू का ये पत्र नई संसद में खोला गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जब मुर्मू का ये पत्र पढ़ा तो वो भी खुश हो गए। अपने पत्र में द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन को लेकर देश को शुभकामनाएं भी दी हैं। इस संदेश को सुनकर मोदी विरोधी गैंग में सन्नाटा पसर गया है। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया है, उन्हें मुर्मू ने करारा जवाब दिया है। मतलब मोदी विरोधी गैंग का दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा कानून है जिसे पीएम मोदी बहुत ही जल्द इस नई संसद में लाने वाले हैं। पीएम मोदी ने पहले दिन अपने भाषण में इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा है कि इस नई संसद ने हमें गुलामी की सोच से आजादी दिलाई है, आने वाले वक्त में यही से देश हित के लिए बहुत सारे कानून बनेंगे। दावा किया जा रहा है कि संसद के पहले सत्र में ही मोदी सरकार CA और NRC बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसके बाद इसे पूरे देश में 2024 के चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले वक्त में इसी संसद से अब कॉमन सिविल कोड पर भी कानून बनेगा। अमित शाह पहले इस पर पूरा खाका तैयार करके बैठे और बहुत जल्द ही इस पर अब काम भी शुरू होगा। इसे हमारे देश के नेताओं की विडंबना कहिए या फिर कुछ और, जब भारत के लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हुआ इसके खिलाफ ही सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे तक ने नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, लेकिन मायावती और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जैसे नेताओं ने मोदी के फैसले का स्वागत भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर अपनी रोटियां सेक रहे थे, द्रौपदी मुर्मू ने खुद चिट्ठी भेजकर सबकी बोलती बंद कर दी है। वैसे इस विशाल नए संसद भवन को लेकर आपका क्या कहना है और जिन नेताओं ने इसका बहिष्कार किया उन्हें लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।